Hello everyone, this is Dr. Ravina Gulati and I welcome you all to the channel of SnapSol Life Class. So, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सेशन जिसमें बिल्कुल आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हम करने वाले हैं कि आज जो है गेस द कॉन्सेप्ट हम सेशन करेंगे. नया है, फन है, आपको मज़ा आएगा. आई एम श्योर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मज़ा आए. ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दो एक बारी फटाफट से कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड है. ओके, यस, चलो हम इसको शेयर कर देते हैं फटाफट से. जल्दी से आप लोग भी इसको शेयर कर दो और कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ. यस, और कमेंट करके मुझे बता दो कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड है जल्दी से. यस स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. All those students, come on. Okay. Yes, I am waiting for some messages. जल्दी से comment करके मुझे बता दो कौन कौन हमारे साथ connect हो गया है. ओके, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को हम फटाफट से. और लेट मी सी कौन कौन हमारे साथ कनेक्ट हुआ है. मैं बस यही चेक कर रही थी कौन कौन हमारे साथ कनेक्ट है. ठीक है, तो आज जो है हम करेंगे बहुत ही अमेजिंग एक गेस की कॉन्सेप्ट. मतलब बायो का है तो आज हम कॉन्सेप्ट तो नहीं करने वाले हैं, बट हम डेफिनेटली गेसिंग द गेम तो ज़रूर खेलने वाले हैं. देखते हैं कितने लोग जो है गेस कर पाएंगे. ओके, आई कैन सी. हेलो हेलो हेलो. ओके, हाय जया, हैप्पी बर्थडे. नो, इट्स नॉट मेंटी श्रीप्रदा, इट्स नॉट मेंटी, इट्स अनदर सेशन. आई होप यू लाइक द सेशन. स्टार्ट. ओके, जया को सब लोग विश कर दो फटाफट से. इट्स जया बर्थडे. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू जया. बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आपको. हाय देव. ओके, हाय गबानी, बहुत दिनों बाद तुम आए हो. आई हो? ओके, आई हो, फाइन. ओके, ग्रेट. सो अच्छा, मैं जो लोग नए हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें बता दूँ स्नैपसॉल्व की ऐप के बारे में. अगर आपको अब तक नहीं पता है, बहुत ही अमेजिंग ऐप है. आप लोग जो है जैसे आपको कोई डाउट आता है होमवर्क करते हुए या कोई असाइनमेंट करते हुए, तो क्या करना है, उस क्वेश्चन का पिक्चर क्लिक करना है और उसको ऐप पे अपलोड कर देना है. ठीक है, तो जब भी कोई अगर आपको जो भी उसका आपको सोल्यूशन जो है विद इन 10 मिनट्स आपको मिल जाएगा. उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्यूटर से आप डायरेक्टली जो है उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो. और मुझे पता है आप लोगों को क्विज खेलना कितना पसंद है, हमेशा मेंटी 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 करते रहते हो. तो ऐप पे तो आपको रेगुलरली क्विज मिलेंगे. यू नो, आपका कोई टॉपिक है, कोई होमवर्क है, तो उसका जो आप कर सकते हो. हाय श्रीपदा, सो स्वीट ऑफ यू. दैट्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल. बहुत मैं आई एम द बेस्ट, माई स्टूडेंट्स आर द बेस्ट. ठीक है, ओके. तो फिर ऐप आज ही डाउनलोड करनी है. कहाँ से करनी है? लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके लिंक ले लेना है. अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए, मुझे पता है आप जानना चाहते हो कि इस गेम में क्या होने वाला है, तो हम देखते हैं. देखो, मैं बता देती हूँ आप लोगों को. फन क्लास हम लेकर आए हैं आपके लिए, थोड़ा पढ़ाई से हट, मतलब पढ़ाई तो करेंगे लेकिन फन के साथ. ठीक है, तो मैं कुछ क्लूज दूंगी आपको. ठीक है, इसमें कुछ ऐसे हैं जो आपके यू नो स्टडी में आपने उसके बारे में पढ़ा है, और कुछ टोटली न्यू क्लूज है. और क्लूज के साथ साथ, मतलब आई गिव यू सम टाइम आपको गेस, मतलब मैं दूंगी कितने बच्चे जो आंसर करेंगे उसका. एडमिन का नेम क्या जानना है आपको? कोमल, व्हाट यू वांट टू नो बेटा? गबानी, व्हाट यू वांट टू नो?
आपको क्या जानना है एडमिन का. ओके तो आपको क्या करना है कि मैं आपको क्लूज दूंगी एंड आई विल गिव यू लाइक सम टाइम. अब मेंटी की तरह यहाँ पे टाइम मीटर तो नहीं रन करेगा बट मैं ही जो है टाइम को गेस करूंगी एंड देन आई विल मतलब मैं काउंट करूंगी एंड आई विल गिव यू टाइम. ठीक है तो उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको उस जो भी उसका आंसर होगा उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट्स बताऊंगी कि आपको टोटली आज न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी. एक तो सीखने को मिलेगा और कुछ न्यू जानने को मिलेगा. ठीक है तो करें फिर स्टार्ट. चलो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं. तो आज हम सीखेंगे एनिमल किंगडम के बारे में विद द गेसिंग गेम. ओके गेस करेंगे आपको ऑप्शंस दूंगी और आपको जो है उसके बारे में फिर गेस करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. चलो लेट्स स्टार्ट फटाफट से. सो हाय आई एम ब्रेनी एंड लेट्स गेस दीज आंसर्स टुगेदर. मिलकर जो है इन क्लूज को इन पजल्स को इन कॉन्सेप्ट्स को हम सॉल्व करेंगे. तो ब्रेनी आ गए हैं आपके लिए. ओके ये हमारे ब्रेनी हैं जिनको मतलब ये कॉमन ब्रेनी है. ठीक है सबके पास दिमाग होता है. कहाँ चले गए सब लोग जल्दी से आ जाओ भाई. कहाँ वेयर आर यू ऑल. अभी तो एकदम एक्टिवली जो है तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे. अब कहाँ चले गए तुम लोग जल्दी से आ जाओ. कमॉन कमॉन कमॉन. यस ओके आई एम वेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स. ओके सो लेट्स बिगिन. चलो ओके मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर. यस हाय जया. ओके तो स्टार्ट करें फिर. ओके चलो दे आर स्टूडेंट. तो पहला जो है आपके पास क्वेश्चन है ये जिस भी एनिमल के हम बारे में बात कर रहे हैं कि दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल. ये कलरफुल एनिमल्स होते हैं. ठीक है ब्यूटीफुल लगते हैं कलरफुल लगते हैं एंड ये डीप सी डाइविंग आपका ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बना देते हैं. तो इसे हमें क्या पता चल रहा है कि जिन एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको डीप सी डाइविंग में देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही कलरफुल होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं. ठीक है एंड दे कैन फिल्टर एन अमाउंट ऑफ 100,000 टाइम्स देयर ईच डे. मतलब 1,00,000 टाइम्स जो पानी होता है उस अपने साइज से 1,00,000 ज़्यादा जो है वो पानी को मतलब उतना टाइम्स जो है पानी को वो फिल्टर कर सकते हैं. ठीक है एंड दैट मीन्स अ बास्केटबॉल साइज एनिमल कुड फिल्टर एन एंटायर रेजिडेंशियल पूल इन वन डे. तो जल्दी से मैंने क्लूज जो है तो मैं दोबारा से रीड कर देती हूँ आपके लिए एंड उसके बाद जो है आप लोगों को मुझे बताना है इसका आंसर. ठीक है फिर आप मुझे बताएंगे कि लेट्स सी कि आप लोग इसका आंसर जो है करेक्ट दे पाते हैं नहीं दे पाते. सो आई एम गिविंग यू लाइक 10-15 सेकंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जल्दी से सोच के मुझे बताओ अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखो और उसके बाद हम देखेंगे कितने लोगों ने जो है इसका सही आंसर दिया है. सो दे लुक सो ब्यूटिफुल एंड कलरफुल कि आपका डीप सी डाइविंग एक्सपीरियंस को अमेजिंग बनाते हैं और इनका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये अपने साइज से 1,00,000 ज़्यादा टाइम्स जो है पानी को फिल्टर कर सकते हैं. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि बास्केटबॉल साइज का एनिमल जो है एंटायर रेजिडेंशियल पूल को फिल्टर आउट कर दे इतना करते हैं. ओके सो वी हैव ओके वी हैव आंसर्स. श्रीपदा एंड जया को लगता है कि श्रीपदा को लगता है आंसर डॉल्फिन है. सुधीर को लगता है आंसर फिश है और जया को लगता है आंसर फिश है. ओके सो लेट्स सी लेट अस सी कि क्या ये लोग सही हैं क्या किसी और को आंसर करना है. ओके वैसे भी टाइम्स अप हो गया तो लेट अस सी द आंसर. ओके व्हाट आर दे दे आर स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस आप लोगों को पता है कि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो दे बिलोंग उनका मतलब दे आर द कॉमन नेम ऑफ द फाइलम पोरीफेरा एंड ये एनिमल्स होते हैं. कैन यू सी दे लुक सो ब्यूटीफुल. अगर आप लोगों ने मूवी देखी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो उसमें वो डीप सी डाइविंग दिखाया उन्होंने पूरा और वहाँ पे आपको दिखेंगे ऐसा लगता है कि लोगों ये प्लांट्स हैं बट ये प्लांट्स नहीं हैं ये एनिमल्स होते हैं. बट ये वो एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते होते ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं. ओके सो स्टारफिश सही आंसर नहीं है एंड आप एक ही बारी में एक आंसर दे सकते हो जया. यू कैन नॉट चेंज योर आंसर वन एट अ टाइम. तो स्पॉन्जेस जो है इसका आंसर है. ओके कोई आंसर नहीं दे पाया तो ये वाला क्वेश्चन का तो किसी को नहीं मिलेंगे मार्क्स. ठीक है तो हम यहाँ पे तो नोबडी विंस दिस. ओके लेट अस सी नाउ. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तब तक आप लोग जो हैं अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते रहिए. मैं देखती रहूँगी मेरे साथ अभी कितने बच्चे कनेक्टेड हैं. आई हैव अभी जो इस फर्स्ट क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने वाले तीन लोग थे जया सुधीर एंड श्रीपदा तीनों ने जो है सही आंसर नहीं दिया है.
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कितने लोग सही आंसर देंगे। उससे पहले हम देखते हैं स्पॉन्जेस के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्पॉन्जेस बिलोंग करते हैं टू द फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरेंस को हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। दूसरा, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 9 में हम पहली बार ही पढ़ते हैं स्पॉन्जेस के बारे में और 11th में और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। मल्टीसेलुलर है, वैसे तो सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, एनिमल का पहला कंडीशन ही मल्टीसेलुलरिटी है। देन इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, सिर्फ इनके पास सेलुलर लेवल है, फिर उसके बाद किसी के पास टिश्यू एंड देन ऑलमोस्ट मतलब वो चेंज होता जाता है, बट मोस्ट बेसिक जो है वो यही ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और अ कैनाल सिस्टम, वो इनका फीचर है। यस ओके यस श्रीपदा बिल्कुल सही, एम्फीलोब्लास्टा एंड पैरेन्काइमुला आर ये जो है इनके लार्वल स्टेजेस होते हैं। एंड वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया एंड द बॉडी वॉल्स एंड इनटू द सेंट्रल कैविटी। मतलब ये बहुत सारे नीट के भी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं कि इनके ऊपर जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं, इनकी जो बॉडी वॉल होती है सेंट्रल कैविटी होती है उसको स्पॉन्जस सील कहते हैं, एंड इनका एक एग्जिट पॉइंट होता है जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। सो फन फैक्ट, स्पॉन्जेस ऑफन यूज केमिकल्स टू डिटर द प्रीडेटर्स फ्रॉम ईटिंग देम, वो कुछ केमिकल्स यूज करते हैं ताकि उनको बाकी जो बड़े एनिमल्स हैं या जो फिशेज वगैरह उसे खा ना सकें। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं स्पॉन्जेस के बारे में, स्पॉन्जेस के अंदर, जो ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को और HIV एड्स को। एंड सम डीप वाटर स्पॉन्जेस कैन लिव अप टू ओवर अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स ओल्ड। सो इजंट इट सो मच, यू नो कितना ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स आपको बारे में पता चला है कि स्पॉन्जेस के केमिकल्स HIV और कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, एंड दे कैन live up to, some of these sponges can live up to 200 years, the deep water sponges. Yes, yes, Shripada, absolutely right, spongula and new spongy are some of its examples. बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने। जल्दी से वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू यू इफ यू कैन डू दिस मच फॉर मी। एंड जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आ रहा है आपके सामने नया क्वेश्चन। सो आई थिंक यू मस्ट हैव फाउंड दिस अमेजिंग, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स लगे थे। सो गेस नंबर 2, इट लुक्स लाइक अ फिश बट इट्स नॉट अ फिश, इट इज द लार्जेस्ट वाटर मैमल, अ फैट कॉल्ड ब्लबर कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज बेलेनोट्रोपा बेलेनोप्ट्रिया। सो ये जो हम बात कर रहे हैं इस एनिमल के बारे में, ये फिश की तरह तो दिखती है बट ये फिश नहीं होती है और ये लार्जेस्ट वाटर मैमल है। इसके पास एक फैट होता है, फैट की लेयर होती है जिसे ब्लबर लेयर है जिसे फैट। ओके सुधीर ने आंसर दे दिया है, इसका साइंटिफिक नेम होता है बेलेनोप्टेरा। यस सुधीर ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी लोग देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देना चाहते हैं। लेट्स सी ऑल दोज हु कैन गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके सो आई एम गोना गिव यू 10 सेकंड्स एंड देन आई एम गोना शो यू द आंसर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके सो लेट अस सी द आंसर नाउ। ओके व्हाट इज इट यस ब्लू व्हेल, सुधीर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, एब्सोल्युटली राइट, इट्स ब्लू व्हेल। श्रीपदा, शार्क इज अ फिश, वो मैमल नहीं होती है बट यस भूमिका थोड़ा सा ले जोगे बट यस करेक्ट आंसर ब्लू व्हेल भूमिका का। बट सबसे जो इस क्वेश्चन के विनर होंगे वो सुधीर होंगे, क्योंकि सुधीर ने क्लूज पढ़ते ही सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया है। ग्रेट अमेजिंग वाओ। सो ये जो आपका वेल होती है वो फिश नहीं होती है, वेल एक मैमल है। ओके कैसे पता चला मैमल है, क्योंकि वेल जो है दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वाटर में लिविंग है, वाटर का इनफैक्ट वो लार्जेस्ट मैमल होती हैं। एंड यस 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 बहुत बहुत हाय नितिन, हाँ वेलकम टू आवर चैनल। ओके सो यस एब्सोल्युटली राइट, लेट अस सी सम फैक्ट्स अबाउट वेल। Blue whale is the largest animal that ever lived and can grow to 90 or more feet and weigh as much as 24 elephants. See, मतलब हम लोगों को लगता है, मुझे लगता है किसी ने real life में elephant whale को देखा होगा। Whales बहुत बहुत बड़ी होती हैं। You know, they are too long and they are heavy. आप देख सकते हो 330,000 pounds. That is almost 150,000 kg उसका weight होता है। Yes, shark belong to Pisces and Pisces are fishes. Okay, whale जो है mammal होता है, तो देखो कितनी बड़ी होती है।
ग्रे वेल्स होती हैं, दे मेक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनुअल माइग्रेशंस ऑफ एनी मैमल, दे ट्रैवल अबाउट 16,000 किलोमीटर राउंड ट्रिप। तो ये जो है आप देख सकते हो वेल्स के बारे में, आपको दो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट मैंने अभी बताए हैं। ओके, सो ऑल दोज हु आर लाइकिंग द सेशन जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो यस मैम मज़ा आ रहा है, और अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर दो, इट विल बी सो नाइस फुल। थैंक यू श्रीपदा, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। एनी टीचर कैन बी वंडरफुल इफ द स्टूडेंट्स आर वंडरफुल, सो आई एम हैविंग अमेजिंग सेशन विद यू ऑल, होपफुली आपको भी मेरी तरह मज़ा आ रहा है। सो वेल आपको कह रही है इट लव्स टू डू द ट्रिप्स, तो आप लोगों को पता है ट्रिप करना, जैसे वेल तो क्या 16,000 किलोमीटर राउंड ट्रिप मार रही है, बट आई होप कि हम लोगों को भी, मतलब मुझे तो ट्रिप करना बहुत पसंद है। यस, जय को भी ट्रिप्स मारना बहुत पसंद है, ये दैट्स सो नाइस। अभी कोविड की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बट होपफुली सिचुएशन ठीक हो और हम वापस से ट्रैवल कर सकें। ओके, सो लेट अस सी द थर्ड क्लू। थर्ड क्लू आप लोगों के सामने आ रहा है, दे लुक लाइक प्लांट्स बट आर एनिमल्स हु लिव इन फ्रेश वाटर, दे कैन समरसॉल्ट इफ द वाटर दे आर लिविंग इज इन नॉट फ्रेश, दे रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, दे यूज नाइटोब्लास्ट सेल्स फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, हु आर दे, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, होते तो एनिमल हैं बट लगते प्लांट्स की तरह हैं, वैसे तो मूव नहीं कर सकते लेकिन अगर पानी फ्रेश नहीं होगा तो वो समरसॉल्ट करके उस पानी से कल्टी हो लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। उनका रिप्रोडक्शन का मेथड बडिंग होता है एंड वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स यूज करते हैं जिन्हें बोलते हैं नाइटोब्लास्ट सेल्स फॉर देयर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। ओके, सो श्रीपदा ने आंसर दे दिया। ओके, श्रीपदा ने आंसर दिया है, भूमिका ने आंसर दिया है, ओके, जया ने आंसर दिया है। तो श्रीपदा एंड जया के अकॉर्डिंग आंसर हाइड्रा है, भूमिका के अकॉर्डिंग आंसर फंजाय है। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, फंजाय और एल्गी नहीं हो सकता बेटा भूमिका, बिकॉज हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, फंजाय बिलोंग्स टू सम अदर स्पीशीज एंड एल्गी बिलोंग्स टू द प्लांट्स। सो हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स की तरह दिखते हैं बट होते एनिमल्स हैं, फंगस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज इट। यस, एब्सोल्युटली राइट, इस क्वेश्चन की विनर श्रीपदा एंड जया है जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, हाइड्रा। बेटा हाइड्रा आप देख सकते हो, देखो लगता प्लांट की तरह कि ग्रीन कलर का होता है बट एक्चुअली ये एनिमल होता है। यस सुधीर, आप थोड़ा सा लेट हो गए बट करेक्ट आंसर है, यस हाइड्रा जो है करेक्ट आंसर है। देखो मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी किसने सबसे पहले आंसर दिया है। ऑल दो श्रीपदा और जया का दोनों का 4:16 पे आंसर आया है हाइड्रा, तो दोनों इस क्वेश्चन के विनर होंगे। सुधीर आप 1 लेट हो गए हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के विनर जो है श्रीपदा और जया हो गए हैं, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स सी सम फन फैक्ट्स अबाउट हाइड्रा। हाइड्रा जो है बिलोंग करता है टू द फाइलम नाइडेरिया और सीलेंट्रेटा, उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। इनके ऊपर, इनके पास, इनका नाम सीलेंट्रेटा इसलिए होता है, सीलॉन दैट मीन्स दे हैव अ सेंट्रल कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है और एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं हाइपोस्टोम। एंड हमने अभी बात करी थी इनके पास नाइटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, नाइटोब्लास्ट सेल्स इनका एक स्पेशल फीचर है जिसके अंदर एक स्टिंजिंग ऑर्गेनाइज, स्टिंजिंग मतलब जैसे कैच कर लेता है नेमेटोसिस्ट, जिसकी वजह से ये अब जिसको जो खाना है उसको ये कैच कर सकता है, किल कर सकता है, यू नो ऐसे पकड़ के इसे खींच लेता है। ठीक है, ओके, शारवानी, सच अ स्वीट नेम शारवानी, दिस वन एक्ट्रेस ऑल्सो, अब अगर आपने वो शो देखा होगा, वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट शो, आई फॉरगॉट, जो सुभाष चंद्र बोस जी की ऊपर था, तो उसमें जो एक्ट्रेस उसका नाम भी शर्वानी था, तो आई रिमेंबर। ओके, सीलेंट्रॉन, यस यस। ओके, सो लेट्स सी द फन फैक्ट्स अबाउट हाइड्रा। हाइड्रा की जो नेमेटोसिस्ट होते हैं दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस, तो आप सोच सकते हो कि उनके पास कुछ ऐसा यू नो कैप्चर करने के लिए ऑर्गन है, लेकिन वो ऑर्गन जो होता है वो ह्यूमंस को नहीं कुछ कहता है, इट ओनली किल्स दी स्मॉल एनिमल्स जिसको वो खाना चाहता है, तो ह्यूमंस के लिए वो डेंजरस नहीं है। नेमेटोसिस्ट जो होते हैं दे कैन बी यूज ओनली वन, ओके, एक एंड वट आई यूजली, और वो 48 hours में रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब अगर एक बार यूज हो गया तो वो ये नहीं कि सालों साल एक ही ऑर्गन चलता जा रहा है, वो कितना फास्ट रीजनरेशन है इनके अंदर कि वो अपना जो एक ऑर्गन है उसको 48 hours से ज़्यादा यूज ही नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ ह्यूमन्स देखो एक चीज़ को चलाए जा रहे हैं, ये छोटा सा एनिमल को समझ रहे हैं 48 hours से ज़्यादा काम नहीं करेगा, इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, एंड देव एक्सलेंट पावर्स ऑफ रीजनरेशन आफ्टर इंजरी, इफ कट इनटू सेवरल सेक्शंस अ न्यू हाइड्रा विल जनरेट फ्रॉम ईच पीस, इसका रीजनरेशन पावर एक्सीलेंट होता है, अगर ये मान लो 10 हिस्सों में कट जाएगा तो हर एक हिस्सा जो है पूरा एक नया हाइड्रा बना सकता है। ओके, योर सिस्टर नेम इज आल्सो शर्वानी, ओके दैट्स सो नाइस, ओके श्रीपदा दैट्स नाइस, ग्रेट ग्रेट।
फाइन, सो गुड गुड. फर्स्ट क्वेश्चन विनर वॉज शालवानी, सेकेंड क्वेश्चन विनर इज श्रीपदा एंड जया. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हाइड्रा इज टेलिंग यू ऑल दैट आई एम हार्मलेस टू ह्यूमंस, बट प्लीज डोंट बी हार्मफुल फॉर मी. सी, मैं आप लोगों को ह्यूमंस को कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग भी मुझे कुछ मत कहिएगा. सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम आवर स्वीट स्वीट हाइड्रा, विच इज नॉट सो स्वीट फॉर दी छोटे छोटे एनिमल्स, इट्स स्वीट फॉर अस. ओके okay, that's great. Let's see the clue number 4 that's coming in front of you people right now. They are the world's largest land animal and they have very good memory. They are extremely emotional creatures and they even grieve loss of a family member. They are the only animals that can't jump. Who are they? So you have to tell me ek aisa land animal ke bare mein jo world ka largest land animal hai. And they have a land animal. We're not talking about water animal. हम इसमें water animal consider नहीं कर रहे, वरना इसका आंसर blue whale हो जाता. ठीक है, इनकी memory बहुत अच्छी होती है. You know, they are specialized. ऐसा बोला जाता है कि ये animal अगर आपसे एक बार मिले हैं और आप इनसे आप कुछ बहुत सालों बाद दोबारा मिलोगे तो ये आपको पहचान लेंगे. You know, अगर आपने इनको बहुत प्यार किया होगा. Okay, so we have got answers. Okay, we have Shripada have given the answer humans. Jaya has given the answer giraffe. And Sharwani has given the answer elephants. Okay, these are very emotional creatures. आपको पता है अपने family में lose करते हो तो they even cry and they are unable, they cannot jump. Okay, so let's see who is correct. देखते हैं इस question का winner कौन है. Yes, Sharwani is absolutely right. It's elephants. See, elephants जो होते हैं बेटा इनकी memory बहुत ही अच्छी होती है. They do not usually forget. Okay, so let's see the fun facts. Elephants can recognize themselves in the mirror. एलिफेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट क्रिएचर्स भी होते हैं, पता है. वो अपने आप को मिरर में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनका जो ट्रंक होता है दैट वेज अराउंड 400 pounds बट कैन पिक अप थिंग्स एज स्मॉल एज अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस. देखो कितना अमेजिंग है ये एलिफेंट्स के बारे में कि उनका ट्रंक जो है, जो सूंड जिसको हम बोलते हैं, नो दे कैन नॉट जम्प, दे कैन नॉट जम्प. ओके, दे 400 pounds का उनका ट्रंक है बट इतनी बारीकी से वो उसको यूज कर सकते हैं कि वो एक छोटा राइस का दाना भी उठा सकते हैं. सो इजंट इट अमेजिंग. और दे आर अफ्रेड ऑफ बीस. आपको पता है एलिफेंट्स को बीस से, मधुमक्खियों से डर लगता है. अरे मधुमक्खियों से तो हमें भी बहुत डर लगता है, यू नो. आरंट इज कैरी एंड दे हैव नो नीड फॉर मस्कारा. उनकी जो आई लैशेज होती है बहुत बड़ी होती है. जो लड़कियाँ यूज करती हैं ना मस्कारा, जिससे उनकी पलके जो हैं, आई लैशेज जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी लगे, ब्यूटिफुल लगे. एंड समटाइम्स दे इवन यूज द फेक आई लैशेज ऑल्सो, वो भी बहुत प्रिटी लगती हैं. बट एलिफेंट्स डू नॉट नीड देम. देयर आई लैशेज कैन ऑफ बी अप टू लाइक 5 inches लॉन्ग. इतनी लंबी आई लैशेज इनकी हो सकती है. एंड दे हग देयर ट्रंक्स टू से हेलो टू ईच अदर. यू नो दैट्स द वे ऑफ दे ग्रीट देम सेल्फ. वो नमस्ते नहीं करते हैं. गुड इवनिंग साम्या, हाउ आर यू. थोड़ा सा लेट हो गए. नो प्रॉब्लम, वी आर हैविंग फन. ओके, जल्दी से मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि मज़ा आ रहा है. ये जो फन फैक्ट्स मैं बहुत ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए फन फैक्ट, ताकि आपको इस सेशन में मज़ा आए. तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है. यू नो आई पुट सो मच एफर्ट टू क्रिएट दिस फन सेशन फॉर यू. ओके, शारवानी को मज़ा आ रहा है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू. सो सी दिस इज सो अमेजिंग, दे हग देयर ट्रंक्स. यू नो कितना स्वीट है. मतलब मैंने कभी रियल लाइफ में नहीं देखा. आई रियली विश कि मैं ऐसे देखूँ कि ऐसे वो अपनी ट्रंक्स को ऐसे मिलाते हैं. दे से हेलो टू ईच अदर, सो क्यूट. ओके चलो, सो यू कैन सी दिस, दैट्स अ क्यूट एलिफेंट प्लेइंग. एंड हियर कम्स, आ रहा है बहुत. जया इज एंजॉइंग, शारवानी इज एंजॉइंग, दैट्स सो नाइस, वाओ. आई एम एंजॉइंग टू. ओके, सो हियर इज द फिफ्थ गेस फॉर यू. It looks like a measuring tape. Endoparasites found in human beings and cause intestinal infection. ये एक endoparasite की तरह पाया जाता है human beings के अंदर और ये intestinal infections cause कर सकता है. Its head has suction cups and grappling hooks. So what is it? What is it? किसके बारे में बात कर रहे हैं? Measuring tape की तरह लगता है. Okay, you do not have to tell the phylum. You have to identify the name of the organism. ओके बट ओके फाइन, मैं फाइलम्स को भी कंसिडर कर सकती हूँ आंसर में. सो श्रीपदा इज सेइंग प्लैटीहेल्मिंथस विच इज प्लैट वर्म्स. ओके एंड जया इज सेइंग हेल्मिंथस. ओके सो लेट अस सी द आंसर. ओके श्रीपदा इज क्वाइट नियर, श्रीपदा इज ऑलमोस्ट नियर. यस बेटा बिल्कुल सही. टेपवर्म इज अ प्लैटवर्म एंड बिलोंग्स टू द फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस. सो आई कैन गिव दिस टू यू श्रीपदा.
मेजरिंग टेप की तरह लगता है ना आपको, पता है बहुत लंबा, क्योंकि ये भी इसकी भी रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है और ये बहुत 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 लंबा हो सकता है। एंड हमारी यू नो राउंड वर्म नहीं है शर्वानी, राउंड वर्म इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट्स द फ्लैट वर्म, मेजरिंग टेप की तरह पतली चपटी बॉडी होती है। ओके सो आई थिंक 2-2 चल रहा है अभी। एक क्वेश्चन का आंसर किसी ने सही नहीं दिया था, दो क्वेश्चन का आंसर शर्वानी ने सही दिया है और दो क्वेश्चन का आंसर श्रीपदा ने सही दिया है, तो हम देखेंगे इन द एंड हु इज द विनर। बाकी लोग भी बकल अप यार, यही दोनों अच्छा खेल रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं खेलना। अच्छा एक क्वेश्चन जया ने भी सही दिया है, तो 1 point इज इन जया कोर्ट, जयास कोर्ट ऑल्सो। ओके सो लेट अस सी द फन फैक्ट्स अबाउट टेपवर्म। पहले हम देखते हैं, येस एब्सोल्युटली राइट, इट बिलोंग्स टू द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस एंड इसको कॉमनली फ्लैट वर्म्स कहते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम करता है, ठीक है। सो व्हाट आर द सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट टेपवर्म? टेपवर्म कैन ग्रो अप टू 30 feet एंड लिव एज लॉन्ग एज 25 years। 25 years काफी बड़ा टाइम होता है, मतलब एक इतने छोटे से ऑर्गेनिज्म की लाइफ का। यस 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 एब्सोल्युटली राइट शर्वानी, करेक्ट करेक्ट। कुछ बच्चों के पेट में जैसे बोलते हैं ना कीड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों को हम बोले मेडिसिन देते हैं, सबके लिए तो नहीं, बट हाँ जिन लोगों को हो जाता है तो उनके केस में ये होता है। दे वियर देयर स्टमक ऑन द आउटसाइड, सी दिस इज सच अ सरप्राइजिंग फैक्ट, उसका स्टमक उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है एंड दे डू नॉट हैव अ गट ऑफ देयर ओन, उनके पास कोई इंटेस्टाइन नहीं होता है प्रॉपर, बट वो कुछ स्पेशलाइज आउटर सर्फेस यूज करते हैं, तभी ये पैरासाइट्स है। जो पैरासाइट्स होते हैं उनका बॉडी इतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि उनके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाए। अब वो पैरासाइट है तो वो जिसके ऊपर रह रहे हैं उसी से सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो उसके पास कोई गट सिस्टम नहीं है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली होस्ट की बॉडी से अब्सॉर्ब करेगा। सो दिस इज सच एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट इट राइट। और आपको एक और चीज बताती हूँ इसके बारे में, बहुत लोगों को एक मिथ है टेपवर्म के बारे में, उन्हें ऐसा लगता है कि एक परसिस्टेंट मिथ क्या है कि अगर आप एक बाउल ऑफ वॉर्म मिल्क रख दोगे एक ऐसे इंसान के आगे जिसके बॉडी के अंदर टेपवर्म है, तो टेपवर्म जो है वो बाहर आ जाएगा आपकी बॉडी से। बट ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है, यू नो ये ऐसा नहीं है कि आप टेपवर्म को पागल बना दोगे दूध का बाउल उसके सामने रख के, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है जिसे हमें ब्रेक करना है। सो इट्स अ मिथ, मिथ ब्रेकर आपके सामने है। You can't draw out a tapeworm with milk. You cannot do it. It is not possible. Yes, Shripada, we are doing a session on NEM. जो हमारी next class है Thursday को बेटा, उसमें हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारा mitosis तो complete हो गया है, meiosis हमने continue किया था, next class में हम meiosis भी complete कर देंगे। No, no, no. It's not a symbiotic relationship, बेटा. It's a parasitic. Parasite होता है हमारी body पे. Symbiosis नहीं है. हमारे लिए बहुत dangerous होता है. It's not a symbiotic relationship. Absolutely parasitic relationship है. ठीक है? Okay. So let us see the next question. Next guess clue आपके सामने आ गया है. The body is divisible into head and trunk, and their skin is moist without scales on their body. A croaking is used by males as a way to attract females, and they don't drink water with their mouth but drink by absorbing water through their skin. Okay, this one is easy one, or I expect all of you to give the correct answer. But हम देखेंगे कि सबसे पहले answer जो है वो कौन देगा, वही इस question का winner होगा. Body इसकी head and trunk में होती है, इसके पास tail नहीं होती है, इसकी skin moist होती है और उसपे कोई भी scales नहीं होते हैं. Okay. एंड ये एक क्रोकिंग, इसका जो मेल होता है वो एक क्रोकिंग साउंड, अजीब सी आवाज निकालता है ये अपनी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड ये पानी जो है माउथ से नहीं पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर बाय अब्सॉर्बिंग थ्रू देयर स्किन। ओके ओके सो यस यस, श्रीपदा ने पहले कुछ और आंसर दिया था बट जो भी है उसने फास्टेस्ट आंसर दिया है। ओके सुधीर ने भी, ओके यू ऑलमोस्ट गेव द आंसर एट द सेम टाइम, सो आई एम नॉट सॉरी, शर्वानी एंड श्रीपदा दोनों ने सेम टाइम पे आंसर दिया है और दोनों ने ऑलमोस्ट फ्रॉग आंसर दिया है। लेट अस सी व्हाट इज इट, लेट अस सी, यस एब्सोल्युटली राइट, आई मीन दिस इज इन दिस फ्रॉग इज क्यूट, यस बिल्कुल सही, फ्रॉग्स इज द करेक्ट आंसर एंड यू बोथ आर विनर। अब तक आप दोनों में टाई चल रहा है एंड आई होप मुझे कोई टाई ब्रेकर क्वेश्चन खुद ना फ्रेम करना पड़े। यस एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर दिया है। फ्रॉग्स जो होते हैं, यू नो सचिन आपने इनकी कभी अगर वॉइस सुनी हो, टू किंग मतलब आई कैन नॉट मेक दैट साउंड,
बट एक क्रोकिंग सी साउंड ये यूज करते हैं एक्चुअली दे कॉल देयर फीमेल्स यू नो दे वांट टू अट्रैक्ट द फीमेल्स एंड ये पानी खुद मुंह से नहीं पी सकते होते दे अब्सॉर्ब इट थ्रू देयर स्किन्स ओके यस एब्सोल्युटली राइट सो ये बिलोंग करते टू द क्लास एम्फीबिया एंड टू द फाइलम मैमेलिया ओके आई एम सॉरी टू द फाइलम कॉर्डेटा एंड टू द क्लास एम्फीबिया एंड दे हैव आईलेट्स इनकी आईज में आईलेट्स होते हैं इनके पास एक टिम्पैनम होता है विच रिप्रेजेंट्स द ईयर इनके पास एक कॉमन एग्जिट पॉइंट होता है क्लॉक्वा जिसके जिसमें इनका एलिमेंट्री कैनाल इनका यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों ही एक ही कॉमन एग्जिट पॉइंट में जाता है क्लॉक्वा ठीक है एंड इनका हार्ट जो है वो थ्री चेंबर होता है ठीक है सो व्हाट आर द फन फैक्ट्स अबाउट सी दिस इज सच अ क्यूट फ्रॉग कैन यू सी कितने प्यार से आप लोगों को देख रहा है और बोल रहा है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो स्नैपशॉट की ऐप डाउनलोड कर दो और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सो दिस फ्रॉग इज टेलिंग यू टू डू दैट See, many frogs can jump 20 times their own height, you know. Such an interesting fact about them. Yes, hibernation and estivation, yes. Sripada, absolutely right. Hibernation is the winter sleep and estivation is summer sleep. They do it to save their energy because inka jo respiratory system hota hai, lungs hota hai, wo bahut achse se develop nahi hota hai. So, inka energy loss ko prevent karne ke liye, ye jo hai, aisi summer sleep mein aur winter sleeps mein jaate hain. Yes. Some frogs are so poisonous कि आप उसको touch करते हैं, you know, you will like, you lose the consciousness. इतने ज़्यादा poisonous होते हैं. It is possible to hypnotize a frog by placing it on its back and gently stroking its stomach. आप एक frog को hypnotize कर सकते हो अगर आप उसको ऐसे उल्टा रख के उसके stomach को सहलाते रहोगे तो वो hypnotize हो जाएगा. And frogs come in all sorts of color, variety of colors आते हैं frogs में. Giddiness, yes, 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 giddiness, absolutely right, बिल्कुल सही. So कितना amazing, कितना ही interesting चीज़ें अभी हमने frog के बारे में देखी है. अब मैं लेकर आती हूँ आपके लिए next question, that is the next clue. Let's see, अभी तक हमारा tie चल रहा है श्रीपद और शानवानी के बीच में. Let's see, anyone can break it. They have shiny, spiny body. It is called a fish, but it is not a fish. It has no brain or blood. It has five arms. And the adults are radially symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. And you had seen it in the movie Finding Nemo. So, जल्दी से बता दो. Okay, Shree बता रहे तो फटाफट से आंसर दे भी दिया है हमें. बिल्कुल सुनते ही मुझे लगता है Shree बता has given the answer. अभी हम देखते हैं कि ये correct answer है या नहीं है. Let's see. Let's other also reply. Okay, Shree बता has even given the name of the phylum. Samya ने भी इस question का answer दिया है. Nice. Yes, I guess. Let's see. Okay, Sharwani. Yes, Sharwani ने भी आंसर दिया है. Let's अब तीनों ने ही सेम आंसर दिया है. बट अगर ये करेक्ट आंसर है तो Shripada is on the lead. उसने आंसर सबसे फास्टेस्ट दिया है. So let us see what is it. Yes, absolutely right. It's a starfish. They look so beautiful, but they have very shiny body. जो है shiny spiny होती है. Yes, starfish belongs to the phylum Echinodermata. If I can, मैं Shripada को एक extra point देती इसके लिए. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड द एनस ऑन द अपर साइड एंड द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर एकिनोडर्म्स का होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम जैसे स्पॉन्जेस के पास वाटर कैनाल सिस्टम था ऐसे ही एकिनोडर्म्स के पास वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड मतलब इनका जो भी पूरा बॉडी का काम होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम करता है ठीक है क्या हो गया देव व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड यस श्रीपदा एब्सोल्युटली राइट Absolutely. Dave, why are you confused? So let us see some fun facts about starfish. They cannot survive in fresh water. जो आपकी starfish होती हैं वो marine water की होती हैं मतलब आपको sea या oceans में ही मिलेंगी ये fresh water में survive नहीं कर सकती हैं They can regenerate. अगर इनका एक arm loss हो जाता है, कट जाता है किसी वजह से तो ये अपना arm वापस से grow कर सकते हैं They have the ability to grow a replacement limb. एक arm जो मैंने बोला on their own. Also doing so, they can Take up to a year मतलब अगर इनका कोई एक आम कट जाता है तो ये पूरा आम जो है दोबारा से ग्रो कर सकता है बट इस काम में कम से कम उनको एक साल तक लग सकता है ठीक है सो बहुत बढ़िया दिस इज द पिक्चर फ्रॉम फाइंडिंग नीमो अब मुझे जल्दी से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस ने फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है बोथ पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट वन में जो है हमें क्यूट सी स्टारफिश देखने को मिली थी तो जल्दी से बताओ ऑल दोज हु हैव सीन फाइंडिंग नीमो मूवी ऑल दोज हु हैव सीन इट बोथ पार्ट वन एंड पार्ट टू मैंने आई हैव सीन बोथ पार्ट वन पार्ट टू फाइंडिंग नीमो एंड फाइंडिंग डोरी बोथ आई हैव सीन बोथ ऑफ देयर
ओके यू 10th 11th स्टूडेंट्स, नाइस नाइस. सो कम ऑन टेल मी क्विकली, हैव यू सीन फाइंडिंग नीमो मूवी एंड फाइंडिंग डॉरी, बोथ पार्ट्स? यस. श्रीपदा, शारवानी, देव, साम्या, जया, ऑल दोज हु हैव सीन, जस्ट टेल मी क्विकली. टिल देन आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट बिलोंग्स टू सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. The body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and a visceral hump. Yes, okay, so Sharvani has seen it and Shripada has also seen it. Yes, okay, so Sudhir has, it's a very slow animal. Oh my God. Sharvani has given the answer so quickly. Anybody else want to give? Okay. Are you sure that, okay. Yes. So let's see the answer. Yes. So again, there's a tie. Again, there's a tie between, because Shravani and Shripada are again on the same score. It's snail. Why? Because tortoise cannot be the possibility, because we said that ye second largest phylum ko belong karta hai. Second largest phylum is mollusca. Mollusca hai. Tortoise belong to the class रेप्टीरिया ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा. सो वहाँ पे तो आंसर प्रोटोज आ ही नहीं सकता. तो यस, स्नेल इज अ वेरी स्लो एनिमल एंड देयर इज वन मूवी ऑन द स्नेल. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन टर्बो. टर्बो में था एंड इट वाज, इट्स सच अ क्यूट एंड अ वेरी इंस्पिरेशनल मूवी. इफ यू हैव नॉट सीन इट तो उसको जरूर देखना जाके, ठीक है. सो यस, स्नेल इज द करेक्ट आंसर. शारवानी एंड श्रीपदा आर अगेन ऑन द सेम मास, यू नो, सेम स्कोर. So let us read about snail. Snail के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. It belongs to the phylum Mollusca. Mollusca is the second largest phylum. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The mouth contains a rasping like, it opens like this, rasping like organ for feeding called radula, and a soft and a spongy layer of skin forms a mantle over their visceral hump. Yes, so let us see some fun facts about the snail. Snail can sleep over 3 years. Oh my God. It can sleep over 3 years. मतलब ये तो कुंभकरण को भी इसने हरा दिया है, स्नेल ने. अब तक हम कुंभकरण की बात करते थे. I think snail has beaten the कुंभकरण. As they move along, snails leave behind a trail of mucus which act as a lubricant to reduce the surface tension. क्योंकि आप इसका देखो, इसका बॉडी राउंड है, ठीक है. तो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए ये एक लुब्रिकेट म्यूकस, जहाँ इसका जो ट्रे जैसे जाता जाएगा तो पीछे पीछे म्यूकस छोड़ता जाएगा, ताकि ये जो है इसका सरफेस टेंशन कम हो और ये इजीली जो है मूव कर सके. दिस आल्सो अलाउ द स्नेल टू मूव अलोंग द अपसाइड डाउन. ओके, सो ओके, लेट्स सी. मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में विनर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा. सो दिस इज अ क्लोजर पिक्चर ऑफ ए स्नेल. लेट्स सी द नाइन्थ क्वेश्चन. हम देखते हैं नाइन्थ क्लू आपके लिए लेकर आए हैं. It belongs to the largest phylum. The body is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax and abdomen. They have jointed appendages and excretion takes place through Malpighian tubules. Let us see who can answer this question. जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कर पाएगा. Largest phylum कौन सा होता है? And इनकी body chitinous exoskeleton से कवर. Even if you can give the answer of the phylum, अगर animal का name exact. Okay, yes. Okay, I've got some answer. Shripada has given the answer. I'm waiting for others to answer and then I'll show you the correct answer of this question. Okay. Yes, Sharvani and Shripada both have given the correct answers, but Shripada has given it faster. So Shripada has a lead. Yes. Cockroach is the correct answer. Yes. Can you see cockroach jo hota hai? They belong to the largest phylum. Largest phylum is Arthropoda. Okay, so cockroach can live for week without its head. Do you know that? ऐसा क्यों होता है? अगर आप cockroach का head काट दोगे तो भी वो एक हफ्ते तक survive कर लेगा. क्यों? Because cockroach का जो nervous system होता है वो all throughout its body होता है. अगर आप head का कट कर दोगे तो भी उसका nervous system body में है, तो वो 1 week तक survive कर पाएगा, but again उसके बाद नहीं. Cockroach can hold its breath for 40 minutes. तो अगर आप cockroach को kill कर रहे हो, आपने ऐसे उसको मारा है, तो आपको पागल बना सकता है 40 मिनट्स तक, क्योंकि अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रख सकता है. द अमेरिकन कॉकरोच हैज शोन एन अट्रैक्शन टू अल्कोहल. दिस इज द मोस्ट फन फैक्ट. अमेरिकन कॉकरोचेस को अल्कोहल पसंद है, यू नो, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अल्कोहल. जस्ट इमेजिन कॉकरोच हैविंग अल्कोहल एंड डांसिंग.
यू नो डांसिंग लाइक एनीथिंग. एंड कॉकरोच कैन लिव विदाउट फूड फॉर 1 month. दैट इज वाई वो हमारे घर के कोनों में छुपे रहते हैं, चाहे खाना ना भी मिल रहा हो, एक एक महीने तक बीच में आते हैं, कुछ खा के चले जाते हैं. सो क्रीपी कॉकरोचेस आर, इजंट इट? सो आई मीन दिस वाज इट. दिस वाज द क्वेश्चन एंड आई थिंक वी हैव अ विनर. हाई जावेद, यू आर अ बिट लेट. So we have a winner with us, and the winner is Shripada. Very, very, very congratulations to Shripada. And Sharvani, you played really well, but just by one question. Thumbnail Superman. Thank you. You like the thumbnail? That's nice. I've changed the picture, Javed. You said na, देखो मैंने picture change कर दी. तुम लोगों को picture अच्छी नहीं लगी थी. Hi Umesh. अब सब लोग आ रहे हैं. जब हमारा session खत्म होने वाला है, almost खत्म हो गया है. आई जस्ट होप कि आपको सेशन मज़ा आया हो. अगर जिन लोगों ने ये सेशन मिस कर दिया है, प्लीज़ इसका रिकॉर्डेड सेशन ज़रूर देखें. आई होप आपको ये अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम और ऐसी फ़न फ़न क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे. यू नो फन भी होगा. थंबनेल रियली ऑसम. दैट्स रियली नाइस. दैट्स रियली नाइस जावेद. आई रियली लाइक दैट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. इट वॉज फन हैविंग दिस सेशन. एंड प्लीज़ कंग्रेचुलेट श्रीपदा. वो शी इज़ द विनर ऑफ टुडे इज़ गेसिंग द कॉन्सेप्ट गेम. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए कॉमेंट सेक्शन में दैट येस प्लीज़ गेट मोर फन गेम्स फॉर यू पीपल. एंड टाइम पर आओ प्लीज़. आज देखो ओवर हो गया एंड मेनी पीपल आर कमिंग. श्रीपदा, आई मिस यू ऑल टू. माई नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे. थर्सडे को हम पहले 10th का हमारा एक क्लास है एट 12:00. हम लोग आर एनवायरमेंट चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं. And then after that, I have a class in the evening, 4:00, 4 or 5, that I have to check. और उसमें हम meiosis को आगे continue करेंगे. And hopefully हम meiosis का वो chapter जो है वो ख़त्म कर देंगे. And then we'll soon get a menti quiz for you. ठीक है. Okay, Shripada Girvani is the winner. Shripada Girvani MS is the winner of today's guess the concept game. Please congratulate her. And I will see you all to the next session. आप लोगों से मैं next session में मिलूंगी. Thursday को 12:00. Do not forget, you know, to attend the class. And till then, all of you, take care. And I'll see you in the next session.